नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अग्रवाल। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूं जिसमें मात्र 3 लाख रुपए की लागत लगाकर आप महीने के 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, मात्र 3 लाख रुपए की लागत लगाकर महीने के 2 लाख रुपए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें मात्र 3 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है और महीने के 2 लाख रुपए की कमाई हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही बिजनेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उस बिजनेस का नाम है कैटरिंग प्रोडक्ट बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कैटरिंग प्रोडक्ट बिजनेस। दोस्तों, कम लागत में अच्छी कमाई का अगर आप बिजनेस तलाश रहे हैं तो आप डिस्पोजल कैटरिंग प्रोडक्ट, पेपर कप, प्लेट्स, बाउल मेकिंग बिजनेस करने का अच्छा मौका। केवल 2 से 3 लाख रुपये में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक इसकी बहुत ही डिमांड बढ़ती जा रही है। शुरुआत में 50,000 रुपये महीने तक, इसके बाद 1 से 2 लाख रुपए महीने तक आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपको भी मालूम है कि कई जगह पॉलोथीन का चलन बंद हो चुका है और इस पॉलोथीन बंद होने के कारण थर्माकोल का चलन बढ़ गया है। थर्माकोल के कप प्लेट बनाने की मशीन 2 से 3 लाख रुपए में आप खरीद सकते हैं। अपनी मार्केटिंग क्षमता के अनुसार ये आपको तय करना होगा कि आप पहले कौन सा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके बाद जब आपको नॉलेज हो जाए तो आप इसके बाद रॉ मटेरियल खरीद कर ये बिजनेस आप अपने घर से, अपने दुकान से, कहीं से भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है कि डिस्पोजल कैटरिंग प्रोडक्ट की मांग शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र दोनों में ही होती है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर पेपर प्लेट की मांग होती है। इसके लिए आप बड़ी मशीन की जरूरत नहीं है, छोटी मशीन से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पेपर कप प्लेट ऑटोमेटिक मशीनों का बाजार में जो प्राइस है वो 2 से 3 लाख रुपए के बीच है। मशीन को लेने के बाद आप अपने रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। इसके बाद आप अपना काम आराम से शुरू कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के बाद आपको मार्केटिंग भी अच्छी करनी होगी जिससे आप हर जगह अपने माल को इंट्रोड्यूस करा सकें। थर्माकोल की प्लेट को अगर आप मॉडल माने तो 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल में 300 प्लेटें तैयार होती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1 किलोग्राम में 300 प्लेटें और 1 किलो थर्माकोल मटेरियल का जो रेट है वो है 200 से 250 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि प्लेट की बिक्री 200 से 300 प्रति 100 प्लेटें होती है। इस तरह कम से कम अगर आप दिन में 1,000 प्लेटें बनाते हैं तो आप 50,000 से 60,000 रुपए महीना तक कमा सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें ये खर्च निकालकर मुनाफा देखें तो शुरुआती समय में आप 50,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। माल तैयार होने के बाद जो वेस्टेज बचती है वो भी रिसाइकलिंग के लिए 50% प्राइस पर बिक जाती है। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप कंपनियों से व रेस्टोरेंटों से कॉन्ट्रैक्ट कर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। थर्माकोल के अलावा पेपर कप व बाउल बनाने की मशीन भी 3 लाख रुपए में मिल सकती है। जी हाँ, बाजार में कॉफी और कोल्ड ड्रिंक के लिए भी पेपर कप या गिलासों का इस्तेमाल होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ऐसे में अगर आपके पास अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे रेस्टोरेंट हैं और उसमें आप सप्लाई करते हैं तो आपका एक अच्छा लेवल बन सकता है और इनमें सप्लाई करने के बाद आप एक अच्छी इनकम के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, तो जरा सोचिए इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों, अब आ जाता है कि भाई पैसा बोले तो बिजनेस तो आप करना चाहते हैं लेकिन पैसा आपके पास नहीं। बिजनेस आपको अच्छा लगा लेकिन पैसा आपके पास नहीं है, कैसे करें? तो दोस्तों, मैं इस बात की आपको नॉलेज देना चाहूंगा कि हमारी सरकार 90% तक जो इस बिजनेस को करना चाहता है उसे लोन दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हमारी सरकार इस समय MSI से रिपोर्ट कर रही है, कई तरह की योजनाएं के तहत कारोबारियों की मदद भी कर रही है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि खादी ग्राम उद्योग में भी डिस्पोजल कैटरिंग प्रोडक्ट मार्केटिंग व्यवसाय को लिस्ट किया गया है। जी हाँ, इन सभी योजनाओं को व्यवसाय करने के लिए आपको 90% तक लोन मिल सकता है। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि खादी ग्राम उद्योग व अन्य कई योजनाओं में लोन राशि पर देय ब्याज पर सब्सिडी भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, सब्सिडी भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस था, कैटरिंग प्रोडक्ट बिजनेस, अगर आप इसको करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और कुछ ऐसे बिजनेस लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।